गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट एसएसकी ऑफ क्लास 4 यूनिट 1 लेसन 4 टॉपिक लैंडफॉर्म्स। ओके, टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर बी। लुक अप दीज वर्ड्स इन डिक्शनरी एंड राइट देयर मीनिंग्स। ओके, यहाँ पर आपने डिक्शनरी में से इन वर्ड्स के मीनिंग्स ढूंढने और लिखने। ग्लेशियर, मेकअप ऑफ फॉलन स्नो दैट ओवर मैनी ईयर्स। ये पहाड़ों पर जब बहुत अरसे से बर्फ जम जाती है उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। पास, अ गेट वे, दो इलाकों को जो जोड़ता है, गुजरने का रास्ता, उसको पास कहते हैं। वैली, लो लैंड एरिया बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल, पहाड़ों के दरमियान में एक बड़ी खूबसूरत सी वादी बनी हुई होती है, उसको वादी को कहते हैं वैली, जो कि एक रहने की जगह होती है। प्लेट्यू, अ एरिया ऑफ फेयरली लेवल हाई राउंड, ये एक प्लेन सरफेस, जो प्लेन एरिया होता है उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। डेल्टा, ट्रायंगुलर एरिया वेयर अ मेजर रिवर्स डिवाइडेड, ये एक ट्रायंगुलर एरिया होता है जहां पर बड़े दरिया जो होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है, उनको तकसीम किया जाता है, जैसे कि इनके नाम से। बेसिन, अ डिप्रेशन और डिप इन द अर्थ सरफेस। ओके, ट्रिब्यूटरी, अ स्ट्रीम और रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्ज स्ट्रीम। स्ट्रीम और रिवर, स्ट्रीम कहते हैं नदी को, रिवर कहते हैं दरिया को, ये जो इनका बहाव होता है बड़ी नदी के अंदर। जॉर्ज, अ नैरो वैली विथ स्टीप रॉकी वॉल्स लोकेटेड बिटवीन हिल्स, एक छोटी सी वैली होती है, उसको हम वो लोकेटेड होती है कहाँ पर, हिल्स के बीच में वो बनी हुई होती है और उसकी साइडों पे जो है वो रॉक्स की जो है वो वॉल बनी हुई होती है, ढलान टाइप की। थैंक यू।